गृह मंत्रालय की तरफ से आप लोग के लिए अपडेट ये है। जैसा आपको पता है, कोविड-19 से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके अंतर्गत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ एक्टिविटीज पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी। साथ ही वो एरियाज जो हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल तक कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसी श्रृंखला में गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज में प्री पेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट सेवाओं में शामिल है। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने अपने 21 अप्रैल के आदेश द्वारा बीज और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के आयात निर्यात संबंधी सुविधाओं को, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की रिसर्च संस्थाओं को तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। लाखों भारतीय मर्चेंट शिपिंग वेसल्स पर काम करते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि भारतीय सी फेयरर्स लॉकडाउन की वजह से जहाजों पर स्ट्रैंडेड हैं या जहाजों पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये चिंता भी है कि अन्य देशों के सी फेयरर्स ऐसे जहाजों पर भारतीय सी फेयरर्स की जगह ले सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उनके साइन ऑन और साइन ऑफ के लिए 21 अप्रैल को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। कई स्थानों पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इत्यादि जो पहले से ऑपरेशनल थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। सड़क निर्माण, ईंट भट्टों, सीमेंट फैक्ट्रीज आदि से संबंधित कार्य भी शुरू हो गए हैं। कई कार्यों में प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का फीडबैक लेकर उनको दूर करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में होम सेक्रेटरी ने और सेक्रेटरी डीपीआईटी ने अभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग की। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज परमिटेड है, उनको किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाए और आर्थिक गतिविधियों को गतिशील करें, इस पर भी चर्चा की है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के भाई और बहन बड़ी निष्ठापूर्वक खुद की परवाह किए बिना कोविड-19 से हमें बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्रालय ने समय समय पर इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दें, चाहे वे हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हों,
क्वारंटाइन सेंटर में हो या परीक्षण हेतु फील्ड में जा रहे हो। माननीय गृह मंत्री जी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखकर सभी राज्यों को कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और IMA के लोकल चैप्टर के साथ मिलकर मेडिकल प्रोफेशनल्स को की पर्याप्त सुरक्षा हेतु जो कदम उठाने हैं उनको सुनिश्चित करें। चिकित्सा टीमों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी भी IMA के लोकल चैप्टर के साथ साझा करें। इससे स्वास्थ्य कर्मी विश्वस्त होंगे कि वे सुरक्षित हैं। इस संबंध में जिला एवं राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर्स को भी नियुक्त करें जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निदान कर सके। अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कोई भी हिंसा या अनुचित व्यवहार की घटना होती है तो दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में जनता में भी जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हमारी उम्मीद ये है कि इन सब कदमों से लॉकडाउन सफल रहेगा।